हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास का नाइन्थ लेसन और इस लेसन का नाम है ए टाइगर इन द हाउस। ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो प्रसिद्ध है बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर कहानियां लिखने के लिए। इसके अलावा उन्होंने टोटो एक बंदर की कहानी भी लिखी है और भी कई जानवरों की जुड़ी हुई कहानियां इन्होंने लिखी है। और ये आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही रुचिकर कहानी है, तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। इस कहानी में बताया गया है कि ये टिमोथी नाम का एक टाइगर कब था, जो दादाजी जब जंगल में घूमने के लिए गए थे, ये टेराई के जंगलों की बात है जो देरा के नजदीक है, तो वहां पे वो अपनी पार्टी के साथ में घूमने के गए थे, दोस्तों के साथ में घूमने के लिए गए थे। तो वहां पे अचानक झाड़ियों के पास में एक बरगद का पेड़ जो था, वहां पे एक छोटा सा टाइगर का बच्चा उन्हें मिला और वो दादाजी उस बच्चे को अपने घर लेके आ गए। दादाजी की ये विशेष बात थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी खतरनाक खेल हो उसे वो करना जानते थे, चाहे जीवित रहते हुए करें चाहे उसके लिए वो मर भी जाए। मतलब दादाजी किसी भी खतरे को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। टाइगर का छोटा बच्चा घर पे लाया गया तो इसको दादी माँ ने नाम दिया टिमोथी का। शुरुआत में इस टाइगर के बच्चे को दूध पिलाया गया, परंतु दूध इस बच्चे को सही तरीके से हजम नहीं हो पाया। दूध के सही तरीके से हजम नहीं होने के कारण इस टाइगर के बच्चे को उसके बाद में खाने में परिवर्तन करते हुए कच्चा मांस और मछली का तेल और उसके साथ में कभी कभी कबूतर और खरगोश भी दिए गए, और इसके बाद में ये उन सब चीजों को खाने लगा। जैसा कि आपको पता ही है कि टाइगर जो होता है वो एक मांसाहारी जीव होता है। इस टाइगर के जो साथी थे वो एक टोटो बंदर जो था वो अक्सर इसकी पूंछ पकड़ के इससे खेला करता था। और जब भी टिमोथी को जब भी गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, ये जो मंकी है ये हमेशा पर्दे पे चढ़ जाया करता था और अपने आप को उसे बचाया करता था। और उसी के साथ साथ में एक छोटा कुत्ता भी वहां रहता था, वो भी टाइगर के साथ खेला करता था। शुरुआत में टिमोथी इस कुत्ते से बहुत ज्यादा डरता था, परंतु धीरे धीरे उनकी भी दोस्ती हो गई और फिर उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि अब ये छोटा जो कुत्ता है वो टाइगर की पीठ पे बैठ के खेला भी करता था। टिमोथी का एक सबसे बड़ा जो आनंददायक काम था वो सब लोगों के साथ में यहाँ वहां खेलना और अकड़ अकड़ के चलना, ये उसे बड़ा ही पसंद आता था। जब भी उसे मौका मिलता दादाजी के साथ में वो यहाँ वहां घूमता था और इधर उधर वो ललचाई नजरों से देखा करता था। लेखक के घर पे आने के बाद में इस जानवर की धीरे धीरे लेखक से भी दोस्ती हो गई और वो काफी समय लेखक के साथ बिताने लगा और वो लेखक के साथ काफी घुल मिल गया था और काफी उसके साथ में वो खेलना भी पसंद किया करता था। अक्सर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया करते थे। धीरे धीरे टिमोथी जो है एक बड़ा टाइगर बन गया और अब इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाने पर इसे बांध कर रखना पड़ता था, और जब भी ये लोगों को देखता था तो उनकी तरफ दौड़ने को आता था और लोग इससे बड़े ज्यादा डर जाते थे, इसलिए लेखक को इसे बहुत ज्यादा जोर से पकड़ना पड़ता था ताकि ये किसी पे कोई प्रकार का हमला नहीं कर दे। परंतु टिमोथी की बात करें तो वह मनुष्य पे कभी भी हमला नहीं करता था, उसकी आदतें थोड़ी अच्छी थी और वो साफ सफाई भी पसंद करता था। रात के समय टाइगर टिमोथी को हम लोग रसोइये के यहाँ सुलाना पसंद करते थे और वो आसानी से यहाँ सो जाया करता था। इन दोनों को यहाँ सो जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, परंतु दादी माँ जो थी वो हमेशा इस बात से परेशान होती थी और वो कहती थी कि कभी न कभी जरूर ऐसा होगा कि एक सुबह हम उठेंगे
तो हमारा जो रसोईया है वो हमें गायब मिलेगा और उसके बेड पे हमें टिमोथी बैठा हुआ मिलेगा। इसका मतलब दादी माँ को शक था कि ये जानवर जो है मांसाहारी जानवर है, कभी न कभी ऐसा न हो कि ये हमारे रसोईये महमूद को ही खा जाए, परंतु ऐसा दिन कभी भी नहीं आया। 6 महीने के हो जाने के बाद टिमोथी में काफी बदलाव आ गए। अब उसका दोस्ताना व्यवहार जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था और वो यहाँ वहाँ जब भी घूमता था तो लोगों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा करता था। और एक बार की बात है, जब कई बार रात को खड़खड़ाहट की आवाजें हो रही थी मुर्गी फार्म में, और सुबह हमने जब मुर्गी फार्म में उठ के देखा तो यहाँ वहाँ हमें पंख भी बिखरे हुए मिले थे। अब हमें लग गया था टिमोथी जो है वो धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। हमारा रसोईया महमूद जब भी टिमोथी को घर में घुमाया करता था तो हमने इस बात का ध्यान दिया कि अब उसकी नजरों में वो पहली जैसी बात नहीं रही, अब वो थोड़ा खतरनाक जानवर के रूप में बदल गया था। और दादाजी ने ये सोचा कि अब इसे घर में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब इसे किसी जू में ले जाना चाहिए और ये वहीं पे ठीक रहेगा। दादाजी ने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पूरी तरह से टिमोथी और अपने लिए बुक करवा लिया और दादाजी ने लखनऊ में जो जू के अधिकारी थे उनसे बात भी कर ली। और जू के अधिकारी और बाकी लोग बहुत अधिक प्रसन्न हुए कि हमें एक बहुत ही सभ्य टाइगर जो है वो मिलने वाला है। और इस प्रकार से हम लोगों ने हमारे प्यारे टिमोथी को, जो अब एक बहुत बड़ा खतरनाक टाइगर बन चुका था, जू में भेज दिया। लगभग 6 महीने बाद में जब दादाजी लखनऊ जा रहे थे और मैं उनके साथ में किसी कारण से नहीं जा पाया, तो दादाजी ने ये सोचा कि क्यों न मैं एक बार जाके टिमोथी से मिल लेता हूँ कि टिमोथी के क्या हालचाल है, वो ठीक है या नहीं है। दादाजी ने टिमोथी को जहाँ छोड़ा था उस जू में दादाजी चले गए और वहाँ जाने के बाद में सीधे टिमोथी के जो पिंजरा जो था वहाँ चले गए और दादाजी टिमोथी को देख के बहुत अधिक प्रसन्न हुए। दादाजी टिमोथी के पास पहुंचे और दादाजी ने टिमोथी को हेलो कहा और जो टिमोथी जो है वो उनके बहुत नजदीक आ गया और वो उनसे बहुत अधिक लाड करने लगा। दादाजी भी उसे बहुत प्यार से खिलाने लगे और आसपास में जो लोग थे वो इन सब चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा चकित रह गए। कभी कभी टिमोथी जो है थोड़ा गुर्रा भी रहा था, पर दादाजी ने उसे डांट के शांत कर दिया था। उसे दादाजी जब स्नेह कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और दादाजी ने थोड़ी देर बाद में उसे पीछे कर दिया था। ये सब घटना देखकर बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये खतरनाक टाइगर के पास में दादाजी क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में उस जू का एक गार्ड आया और उसने कहा, सर यहाँ इस जानवर को छेड़ना थोड़ा खतरनाक रहेगा, आप इससे थोड़ा पीछे हो जाइए। तो दादाजी ने कहा, मैं अपने टिमोथी से बात कर रहा हूँ, इसे मैं 6 महीने पहले यहीं छोड़ के गया था, क्या जब मैं इसे छोड़ के गया था तो तुम यहाँ नहीं थे? तो उस गार्ड ने कहा, सर मैं यहाँ काफी समय से नहीं हूँ तो मुझे इस बात का पता नहीं है, आप अपनी बातचीत को जारी रखिए, मुझे इससे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं तो यही कह रहा था ये जो टाइगर है थोड़ा खतरनाक है, इससे थोड़ा सा सावधान हमें रहना चाहिए। तो दादाजी ने कहा, मेरे टिमोथी के पास में जो ये लियोपार्ड है ये इसे बार बार परेशान करता है, लगता है मुझे आपके अधिकारी से बात करनी पड़ेगी और इस लियोपार्ड को दूसरी तरफ रखवाना पड़ेगा ताकि बार बार ये टिमोथी को परेशान नहीं कर सके। दादाजी जो है उस अधिकारी को ढूंढने लगे ताकि उसके बारे में वो बात कर सके, परंतु वो जो अधिकारी है वो अपने घर पे जा चुका था और दादाजी से वो नहीं मिल पाया। थोड़ी देर बाद में दादाजी वहां लौटे और उसका फिर से दुलार करने लगे, तभी वहां पे एक जो गार्ड है वो वहां पे आया और उसने दादाजी को पहचान लिया और दादाजी ने भी उस गार्ड को
पहचान लिया। तो दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें याद नहीं, लगभग 6 महीने पहले मैं मेरे टिमोथी को यहीं छोड़ के गया था। तो उसने कहा, नहीं सर, ये आपका टाइगर नहीं है। तो दादाजी ने कहा, हाँ मैं मानता हूँ ये मेरा टाइगर नहीं है, अब ये आपका हो चुका है, पर भाई मैं इस टाइगर को यहाँ लेके आया था, तो कम से कम थोड़ा बहुत अधिकार तो मेरा भी इस पे बनता है। तब उस गार्ड ने मुझे बताया कि सर आपका जो टाइगर था वो लगभग 2 महीने पहले निमोनिया से मर चुका है, और ये जो टाइगर है इसको हम कुछ समय पहले ही जंगल से पकड़ के लाए हैं, और ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, इसके पास कोई भी नहीं जाता। यहाँ तक पुराने जो लोग हैं जो जानवरों को संभालने में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो भी इसके पास नहीं जाते हैं। दादाजी ये सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिसे वो अपना टिमोथी समझ रहे थे वो टिमोथी टाइगर नहीं था, परंतु वह कोई और ही जानवर था। और दादाजी ने इस टाइगर को बाय करते हुए वहां से जाने का निर्णय लिया, और दादाजी हक्के बक्के रह गए, किस प्रकार एक अनजान टाइगर ने भी मुझे मेरे टिमोथी की याद दिला दी और मुझसे वैसा ही व्यवहार किया जैसा मुझसे मेरा टिमोथी किया करता था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।